स्टॉक मार्केट की वीकली एनालिसिस से दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द आउटलुक फॉर द स्टॉक मार्केट फॉर अपकमिंग वीक नेक्स्ट वीक दोस्तों, और अपने आप को तैयार करेंगे आने वाले सप्ताह के लिए। तो उसके पहले दोस्तों हम क्विकली लास्ट वीक में ब्रॉडर परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसे जान लेते हैं। दोस्तों निफ्टी ने वीकली बेसिस पर नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, 0.42% की गिरावट दर्ज की गई है और बैंक निफ्टी में वहां पर 2.01% की गिरावट दर्ज की गई है। S&P 500 की बात करें तो मासिव बुलिश था, 1.96% की बढ़ोतरी के साथ ये इंडेक्स बंद हुआ। और वहीं नैस्डेक ने तो दोस्तों इवन S&P 500 को आउट परफॉर्म किया और 2.93% की बढ़ोतरी के साथ में क्लोज हुआ। फुटसी यूरोप टॉप 100 जो यूरोप का इंडेक्स है उसमें भी दोस्तों तेजी देखी गई, 1.03% से इंडेक्स ऊपर क्लोज हुआ। और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड अगर देखें तो एक माइनर तरीके से गिरावट दर्ज की गई और वो थी 0.52% से ये रेड में क्लोज हुआ दोस्तों। लेकिन ये जितने भी स्टॉक मार्केट के इंडेक्स हैं इनमें एक बात बड़ी कॉमन है कि ये करीब करीब सभी गैप डाउन खुलते हैं और रिकवरी आती हुई नजर आती है। इवन निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो गिरावट तो दर्ज हुई है लेकिन कहीं ना कहीं ये रिकवर होते हुए नजर आए हैं। मैं DK आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को एनेबल कीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। चलिए दोस्तों स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। स्टॉक मार्केट की वीकली एनालिसिस की शुरुआत करते हैं दोस्तों S&P 500 मदर ऑफ ऑल इंडाइसेस से। दोस्तों ये प्राइस चार्ट डेली टाइम फ्रेम में है S&P 500 का, और आपको याद होगा कि पिछले कई सप्ताह से हम चर्चा करते आ रहे थे कि S&P 500 4400 की यात्रा तय कर रहा है और लास्ट वीक में उसने उस टारगेट को अचीव कर लिया। ये ट्रेंड लाइन देखिए, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट है, तो ये ट्रेंड लाइन एक एस्टैब्लिश सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रही है। प्राइस हम लिटिल ओवर एक्सटेंडेड है तो करेक्शन की संभावना को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, और एक करेक्टिव वेव का फॉर्मेशन इज अ नॉर्मल प्रोसेस व्हेन मार्केट इज इन अप ट्रेंड। सो दोस्तों ओवरऑल व्यू S&P 500 में बुलिश है। नैस्डेक 100 इंडेक्स के डेली प्राइस चार्ट में हम जब ऑब्जर्व करते हैं, और आपको मैं रिकॉल करना चाहूंगा कि इस राइजिंग वेज का जब यहां ब्रेकआउट हुआ था और उस समय पे दोस्तों इसका देखिए बहुत बड़ा बेस है, इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश टेरिटरी में है नैस्डेक 100 का प्राइस चार्ट। और देखिए हम लोगों ने चर्चा की थी 14,900 से 15,000 के रेंज की तरफ ये बढ़ रहा है क्योंकि प्रायर इंपल्सिव वेव का 161.8% एक्सपांशन लेवल आ रहा था, तो वो टारगेट तो अचीव हो गया। बुलिशनेस अभी भी नजर आ रही है तो काफी अपसाइड बाकी है, और अगला पॉसिबल टारगेट 15,600 के आसपास जाता हुआ इसे देखेंगे। क्या ये स्ट्रेट लाइन में अपसाइड में जाएगा? नहीं दोस्तों, देयर विल बी सेवरल करेक्टिव वेव्स फॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस टू अचीव 15,600। ये दोस्तों फुटसी यूरो टॉप 100 का इंडेक्स है और ये भी मासिव बुलिश टेरिटरी में है। आप देखिए यहां पर डिमांड जोन के बारे में चर्चा की गई थी, इस करेक्शन के दौरान प्राइस ने यहां पर सपोर्ट लिया इस डिमांड जोन में और एक अपसाइड ट्रेंड का रिजम्पशन हुआ। और यहां पर हम देखें इस ट्रेंड लाइन को तो प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट, वंस अगेन प्राइस ने सपोर्ट लिया, तो ये ट्रेंड लाइन आने वाले दिनों में एक रेफरेंस लाइन होगी एज ए सपोर्ट लाइन दोस्तों। अब ये जो इंडेक्स है ये देखिए एक रेजिस्टेंस के पास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, प्राइस का रिजेक्शन और यहां पर पॉसिबल एक 3340 पर एक रेजिस्टेंस है। बट ओवरऑल व्यू जो है वो बुलिश है दोस्तों, जहां मार्केट की संभावना हायर हाइज एंड हायर लोस बनाने की होगी। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं इंडियन मार्केट की तरफ और पहले निफ्टी के प्राइस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स का स्पॉट मार्केट में डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है।
वैसे तो 3 पीएम स्टॉक मार्केट के दौरान हम डेली इसे रिव्यू करते हैं निफ्टी को और बैंक निफ्टी को, लेकिन दोस्तों आपको याद होगा कि अगर आपने उस लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस के वीडियो देखे हैं तो इस राइजिंग चैनल के बारे में चर्चा की गई थी, जहां अपर फाइबर एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा है एंड लोअर फाइबर एक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा है। तो प्राइस एक्शन के अनुसार देखें तो आने वाले सप्ताह में 15,675 से 15,750 का जो जोन है वो एक डिमांड जोन के रूप में एक्ट करना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस है। फिलहाल प्राइस ईएमए 21 के भी ऊपर ट्रेड हो रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो मार्केट गैप अप ओपन होता है और एक स्पिनिंग टॉप या नियरली डोजी का फॉर्मेशन होता है। अब 15,900 पे प्राइस ने कई बार रिजेक्शन दिखाया है दोस्तों, तो 15,900 से 16,100 का जो बैंड है वो एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई बैंड के रूप में आने वाले सप्ताह में एक्ट कर सकता है। और 16,100 इसीलिए दोस्तों क्योंकि इस राउंडिंग पैटर्न का जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 16,060 के आसपास में दोस्तों, तो ये एक इमीडिएट टर्म्स में सप्लाई बैंड के रूप में एक्ट करेगा। लेकिन एक प्रिकॉशन हमें हमेशा दिमाग में रखना होगा और वो है अगर इस ट्रेंड लाइन का, इस राइजिंग चैनल का डाउनसाइड में ब्रेकडाउन हुआ, यानी प्राइस अगर 15,625 के नीचे में ट्रेड 675 के नीचे में ट्रेड होने लगी दोस्तों, तो हम आने वाले समय में इसमें एक गिरावट भी दर्ज कर सकते हैं। वो गिरावट एक्सटेंड हो सकती है 15,300 एंड देन दोस्तों नियरली 15,000। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, आप देखिए यहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, इस जगह पे देखिए प्राइस का रिजेक्शन। तो ये वर्चुअली एक नेकलाइन है सराउंडिंग पैटर्न का, और इस नेकलाइन को प्राइस ने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। तो ये लेवल आता है करीब 15,300 का, और इसके बाद डाउनसाइड में देखें तो यहां पर एक फॉर्मेशन है यहां राउंडिंग पैटर्न का, ये लेवल है प्राइस का रिजेक्शन वो करीब 15,000 में आता है। तो फिलहाल तो दोस्तों ये जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैकिंग द निफ्टी 50 मैंने इसकी चर्चा की। अब हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक के डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट को। इसका चार्ट जो है निफ्टी से थोड़ा अलग नजर आ रहा है दोस्तों। यहां पर आपको याद होगा इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के बारे में हमने कई बार चर्चा की लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में भी और वीकली स्टॉक मार्केट एनालिसिस के दौरान भी। अब दोस्तों प्राइस का यहां ब्रेकआउट होने के बाद ये जो थ्रोबैक है, प्राइस ने फिर से सपोर्ट लिया है इस नेकलाइन के पास में। इसका मतलब ये है दोस्तों यहां पर प्राइस एक्शन देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का रेजिस्टेंस तो 34,000 से लेकर 34,500 का बैंड आने वाले सप्ताह में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड बैंड के रूप में एक्ट करेगा। और अपसाइड में अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे 35,750 जहां प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन है और यहां पर पहले सपोर्ट के रूप में एक्ट किया था, तो ये एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगा। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस 36,100 जहां मल्टीपल टाइम रिजेक्शन देखा गया है। तो दूसरे शब्दों में हम बोले तो 35,750 से 36,100 का जो बैंड है वो एक सप्लाई बैंड के रूप में हम देख सकते हैं। बट ओवरऑल बुलिशनेस मार्केट में बहुत अधिक है और बैंक निफ्टी एक क्रिटिकल सपोर्ट एरिया के पास है जहां बहुत अधिक करेक्शन की संभावना अब नजर नहीं आ रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें यहां पर मार्केट ने सस्टेन किया, लार्ज लोअर शैडो एक इंडिकेट करता है 23 जुलाई 2021 में कि इसमें नेकलाइन पे एक बाइंग आती हुई नजर आई है दोस्तों। अब हम करते हैं यूएस डॉलर आईएनआर करेंसी पेयर की एनालिसिस दोस्तों। पिछले वीक में आपको याद होगा इस डिमांड जोन के बारे में चर्चा की गई थी जो 74.1 से 74.3 का लेवल था, और इस करेक्शन के बाद आप देखिए बैक टू डेज स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि डाउनसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट है और प्राइस इस डिमांड एरिया पर सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। अपसाइड की बात करें तो 74.9 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है और इसके बाद 75.4, तो आने वाले समय में अगले वीक में हम एक पॉसिबल रेंज देख सकते हैं 74.3 से लेकर 74.9 तक एक ब्रॉडर रेंज रहने की संभावना है यूएस डॉलर आईएनआर करेंसी पेयर में। अब ब्रेंट क्रूड ऑयल के डेली प्राइस चार्ट को जब हम देखते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के बारे में चर्चा की गई थी दोस्तों,
लास्ट वीक में प्राइस का सपोर्ट इसका ब्रेकडाउन हुआ दोस्तों, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई और इस सपोर्ट एरिया के पास में जो यहां पर आप देखिए $70 के आसपास में सपोर्ट के बारे में चर्चा की गई थी, प्राइस का रिजेक्शन तो प्राइस ने यहां पर सपोर्ट लिया और एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि शायद इस ट्रेंड का, बुलिश ट्रेंड का रिजम्पशन होने की संभावना बढ़ गई है। अब यहां पर अगर हम देखें इस काउंटर ट्रेंड लाइन को तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसे मिल सकता है 74.6 के आसपास में, लेकिन उसके बाद दोस्तों इसमें अगर इसका काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया तो हम आने वाले समय में $79.9 तक जाने की संभावना को रूल आउट नहीं कर सकते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल को, जिसकी चर्चा पहले भी आपके चैनल में की गई थी। तो ये ट्रेंड का रिजम्पशन होता हुआ नजर आ रहा है आफ्टर दिस कॉम्प्लेक्स करेक्शन। तो गोल्ड के प्राइस चार्ट में हम देखते हैं दोस्तों, तो इस डिमांड जोन के बारे में चर्चा की गई थी, इस मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद प्राइस ने यहाँ डबल बॉटम बनाया जिसका अपेक्स ये था, यहाँ ब्रेकआउट हुआ और इसके बाद करेक्शन के बाद जो नॉर्मली मेजोरिटी ऑफ द टाइम होता है एक पुल बैक, जो पहले रेजिस्टेंस था वहां प्राइस सपोर्ट देती है और इसी के आधार पर 1794 पर एक सपोर्ट के रूप में डिस्कशन किया गया था आपके चैनल के ऊपर में। अब दोस्तों यहां पर आप देखिए डाउनसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट नजर आ रहा है और ये जो एंटायर बैंड है जो 1760 से लेकर 1794 का ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, क्योंकि ये टेरिटरी वो है जहां रिवर्सल चार्ट पैटर्न बना था। अब अपसाइड में देखें तो इमीडिएट टर्म्स में $1815 एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगा, क्योंकि प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया था यहां प्राइस का रिजेक्शन है, तो प्राइस एक्शन के अनुसार $1815 जो है एक रेजिस्टेंस है इमीडिएट टर्म्स में। लेकिन एक बार $1815 के ऊपर में प्राइस ट्रेड होने लगी तो आप देखिए काउंटर ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट होगा, जो एक बार पैटर्न का ब्रेकआउट होगा जो प्राइस को काफी ऊपर ले जाने की क्षमता रखता है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों जो एनकाउंटर करेगा ये सप्लाई बैंड 1843 से लेकर $1852 का, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं और उसके बाद में दोस्तों गोल्ड के कहां तक जाने की संभावना है उसकी असेसमेंट करेंगे दोस्तों। अब हम रेफर कर रहे हैं सिल्वर के प्राइस चार्ट को इंटरनेशनल मार्केट में इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। अब यहां पर देखिए इस ट्रेंड लाइन के बारे में चर्चा की गई थी, प्राइस का सपोर्ट और प्राइस ने फिर से यहां पर एक सपोर्ट लिया है, लेकिन प्राइस एक्शन के अनुसार $25.5 का जो लेवल था दोस्तों ये एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट था, प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, यहां रेजिस्टेंस था, यहां मल्टीपल रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकडाउन हुआ और ये अब जब ब्रेकडाउन हो गया है तो $25.5 जो है इमीडिएट टर्म्स में एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। इस काउंटर ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का रिजेक्शन, मल्टीपल रिजेक्शन है, इसका जब अपसाइड में ब्रेकआउट होगा तो सिल्वर के अपसाइड मूव की संभावना बढ़ जाएगी। अब यहां पर देखिए इस कंसोलिडेशन बैंड को जिसकी चर्चा की गई थी, तो ये एक कंसोलिडेशन बैंड के ऊपर जब प्राइस ट्रेड होने लगती है तो 26.4 के ऊपर में जब प्राइस ट्रेड होने लगेगी तो 20 उस लेवल पे क्या होगा, इस कंसोलिडेशन बैंड का भी ब्रेकआउट होगा, इस काउंटर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा और देन हम एक अपसाइड मूव सिल्वर में देख सकते हैं और पहला फिर उसके बाद रेजिस्टेंस 27 से लेकर 27.25 का जोन एक रेजिस्टेंस होगा एंड देन अगला रेजिस्टेंस 28.17 का है जहां प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट के वीकली एनालिसिस का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में रहता है बेसब्री से इंतजार। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।